तरुण कालरा मेरे सहयोगी इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, बीजेपी में तो शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अभी जो लिस्ट आनी है, चूंकि कल 13 तारीख है और 13 तारीख बहुत दिलचस्प तारीख इस लिहाज से, चूंकि राज्यसभा का जो नामांकन होना है उसका वो आखिरी क्षण है। अभी नामांकन जब भरा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ऐलान होना है उम्मीदवारों का वो अभी तक नहीं हुआ है। हम ये मानकर चलें कि सिंधिया एक नाम है उस लिस्ट में। बिल्कुल, मानकर चलना भी चाहिए, और चूंकि अभी 2 दिन है राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए, तो लिहाजा 48 घंटे का समय तो है बीजेपी के पास, और 48 घंटे के अंदर बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि एक बार नंबर डिसाइड होने के बाद क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से क्लेम किया जाता है वो खासा महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं 48 घंटों के बीच में ही कमलनाथ सरकार बचेगी या फिर जाएगी, इसका भी फैसला होना है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना सबसे पहला तो उनका यही काम है कि सबसे पहले जो उनके बागी विधायक हैं वो इस्तीफा दे, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, और सरकार अल्पमत में आ जाए। और ये क्लेम जब टेक किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि उनके पास नंबर है और सत्तारूढ़ दल अब अल्पमत में आ गया है, लिहाजा कमलनाथ सरकार इस्तीफा दें, ये घटनाक्रम 48 घंटे के अंदर खासा महत्वपूर्ण होगा। आपने देखा होगा कि कल रात का डेवलपमेंट, आज सुबह का डेवलपमेंट, सभी मोर्चों की तरफ से अपने अपने विधायकों को संभालने की कोशिश की गई। हाँ, लेकिन तरुण, अभी भी कमलनाथ वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, मैं फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दूंगा। बिल्कुल, एक्चुअली ये एक सिलसिलेवार तरीके से जब प्रक्रिया होगी तब ये फ्लोर टेस्ट पे अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो ये समझकर मान लिया जाए तो क्रॉस वोटिंग होनी या फिर एब्सेंटीज का होना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। और कमलनाथ भी कोई नए नेता नहीं है जिन्हें साम दाम दंड में आता नहीं है। जब से सरकार चली है 15 महीनों में कम से कम दर्जनों बार सरकार के पलटने की या फिर विधायकों के शिफ्ट होने की खबरें आती आई हैं, लेकिन कमलनाथ किसी तरह से मैनेज कर पाए। अब भीतर घात ही जब कांग्रेस को ले डूबेगी ये आशंका मंडराती हुई नजर आ रही है। अभी भी तरुण, जो खबर है उस खबर के मुताबिक जो विधायकों का जत्था जयपुर गया है उसमें भी सिर्फ 90 विधायक हैं। जीतू पटवारी समेत 6 विधायक अभी भी, 8 विधायक के करीब अभी भी भोपाल में ही हैं। इसके अलावा 22 जो विधायक हैं वो बेंगलुरु में हैं। तो क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कमलनाथ कि जो बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक विधायक हैं उनमें से भी काफी टूटेंगे, ये एक उम्मीद है? देखिए, अपने विधायक वापस आएंगे इस बात की उम्मीद के साथ साथ इस बात की भी उम्मीद है कि बीजेपी के भी कई विधायक अपने टॉप लीडरशिप से ज्यादा खुश नहीं है। गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती रही हैं कि कमलनाथ के संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं। जब इस तरह की खबरें आती थी कि कमलनाथ सरकार को डीरेल करने की कोशिश की जाती है तब कमलनाथ विधानसभा के अंदर कुछ एक प्रस्ताव के अंदर बीजेपी के विधायकों की भी रजामंदी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक सियासी समझ को भी दर्शाएगा।